वेलकम टू स्टेज रिपीट। आज है 2 जुलाई 2020। आज के दिन जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं वो सभी इस वीडियो में सम्मिलित हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। लास्ट चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर स्पेशली डेडिकेटेड एक वीडियो मैंने कल बनाया था। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके ऊपर देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वहां से क्लिक करके आप इस वीडियो देख सकते हैं। हमारा घर हमारा विद्यालय एक योजना लॉन्च किया गया है, ये शुरू किया है मध्य प्रदेश ने। इसका जो मिशन है ये है कि जो बच्चे 1 से लेके 8वीं क्लास के बच्चे घर पर हैं उनके लिए पूरी तरीके से एक वातावरण क्रिएट किया जाएगा, जिसके अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यानी वीडियो स्ट्रीमिंग के जरिए बच्चों को पढ़ाया जाएगा, बच्चों को लंच ब्रेक दिया जाएगा और उसी हिसाब से बेल बजेगी ताकि बच्चों का जो पीरियड होगा 1 घंटे 2 घंटे का, हर घंटे का चेंज होने का टाइम दिया जाएगा। ये योजना शुरू किया मध्य प्रदेश सरकार ने, तो बहुत ही अच्छी योजना है। इसी तरह सभी स्टेट को शुरू करना चाहिए ताकि एजुकेशन सिस्टम को जो अभी रुका हुआ है उसको आगे बढ़ाया जा सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है। देखिए ये जो मनाया जाता है वैसे अक्टूबर मनाया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन इंडिया में जो मनाया जाता है नेशनल डॉक्टर्स डे वो मनाया जाता है 1 जुलाई को। ये मनाया क्यों जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके नॉलेज को भी इन्हेंस करेगा। देखिए मनाने का जो मिशन है वो ये है कि डॉक्टर बिंधन चंद्र रॉय इनके नाम पे मनाया जाता है डॉक्टर्स डे। इन्होंने पहले स्टार्टिंग में सबसे पहले इन्होंने ग्रेजुएशन किया था इन मैथमेटिक्स में, उसके बाद इन्होंने मेडिसिन में यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से मेडिसिन में इन्होंने डिग्री प्राप्त की थी। इनका ये मिशन था कि लोग डॉक्टर की रिस्पेक्ट करें, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ द डॉक्टर फॉर द नेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर की जो सेवा करते हैं लोगों को, जो पेशेंट की हेल्प करते हैं और देश के लिए समाज के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, इस काम को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को कहा गया कि इंपॉर्टेंस को समझो डॉक्टर्स की। इसीलिए ये डे को मनाया जाता है ताकि लोग बात समझें कि डॉक्टर की इंपॉर्टेंस कितनी होती है लाइफ में और उनकी रिस्पेक्ट करें। यही मिशन है, इसी मिशन को देख के ये डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ई किसान धन किसने शुरू किया है, किस बैंक ने ई किसान धन योजना शुरू किया है। ये किया है शुरू HDFC बैंक ने। आप जानते हैं HDFC बैंक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है और इसके CEO पुरी हैं, और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ये शुरू किया ई किसान। इसका जो मिशन क्या है, ई किसान धन जो शुरू किया गया क्या इसका मिशन है, इस एप्लीकेशन के जरिए जो किसान हैं वो देख सकते हैं कि अभी इस सिचुएशन में इस टाइम पे हमारे जो ग्रेन है गेहूं है चावल इसका प्राइस क्या है, कैसे हमें प्लांट करना है, क्या क्या इसके प्रिकॉशंस हैं, क्या क्या इसकी मेडिसिन्स हैं, क्या क्या फर्टिलाइजर्स हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से डिटेल में दी जाती है जो कि ई किसान धन एप्लीकेशन पे उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, भारत पैसेक्स जल अभ्यास किस देश के साथ कर रहा है। देखिए ये जो अभ्यास होता है एक्सरसाइज होता है नवल एक्सरसाइज, जैसे ये हो रहा है समुद्र का यानी जल सेना के जरिए हो रहा है, भारत और जापान दोनों देश एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसका नाम है पैसेक्स। पैसेक्स जल एक्सरसाइज किया जा रहा है भारत और जापान के बीच में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगर आप इन्फॉर्मेशन लेते हैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जापान के बारे में लेते हैं, तो जापान की कैपिटल क्या है, टोक्यो है। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है शिंजो अबे, एंड यहाँ की लैंग्वेज क्या है, जैपनी लैंग्वेज। इस तरह से आपके 3 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपके करेंट अफेयर्स के साथ में स्ट्रेटेजी जीके का भी सेक्शन आपका कवर होता है इस वीडियो में। AFSPA Act 1958 किस राज्य में लगाया गया है फॉर 6 मंथ्स के लिए, 6 महीने के लिए AFSPA Act लगाया गया है, वो लगाया नागालैंड में। नागालैंड में इसलिए लगाया गया है ताकि वहाँ पे जो डिस्टर्बेंस हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए लगाया गया इस एक्ट को। इसके जरिए पुलिस पेट्रोलिंग करेगी, लोगों को कंट्रोल करेगी। और आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं नागालैंड, नागालैंड की जो लैंग्वेज है वो क्या है, स्टेट लैंग्वेज इंग्लिश। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि रसोई सिलेंडर के लिए भारत ने किस देश से हाथ मिलाया है। देखिए रसोई सिलेंडर LPG आप जानते हैं जो कि हम घरों में यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, इसका जो मिशन क्या था कि बांग्लादेश के साथ ने भारत ने हाथ मिलाया है कि जब भारत बांग्लादेश के लिए एक्सपोर्ट करेगा गैस सिलेंडर तो सस्ते रेट पे एक्सपोर्ट करेगा, इससे क्या होगा बिजनेस इंक्रीज होगा और बांग्लादेश के लिए भी फायदा होगा। इस तरह से पेट्रोलियम मिनिस्टर ने ऐसी बात कही है कि हम बांग्लादेश से आदान प्रदान करेंगे सिलेंडर गैस की यानी रसोई सिलेंडर गैस की। इसकी शुरुआत किसने किया है, जो कि हमारा पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, उन्होंने शुरू किया है रसोई गैस सिलेंडर बांग्लादेश के साथ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ऑनलाइन डेटा साइंस एंड प्रोग्रामिंग की डिग्री देने के लिए किसने कही है, दुनिया में एक ऐसी
ऐसा कौन सा देश है जिन्होंने शुरू किया है कि डेटा साइंस एंड प्रोग्रामिंग की जो डिग्री बीएससी की डिग्री होती है उस डिग्री को ऑनलाइन दिया जाएगा। ऑनलाइन देने का मतलब यह है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, फॉर्म ऑनलाइन होगा, आपको कॉलेज जाने की आवश्यकता नहीं होगी, टीचिंग स्टडिंग ऑल थिंग जो भी होगी वो ऑनलाइन होगी। ये शुरू किया है भारत ने। अब आप देखिए डे बाई डे डिजिटली बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाया जा रहा है, चाहे इंडिया हो या अदर देश हो, क्योंकि इसी तरह से आने वाले समय में क्या पैंडेमिक हो सकता है, कौन सा वायरस बढ़ सकता है, कौन सी मुसीबत ऐसी आ सकती है जिसके जरिए लोग इतने दूर हो जाते हैं कि ऑफलाइन क्लास लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो डे बाय डे लोग ऑनलाइन शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो ऑनलाइन होने से फ़ायदा होगा कि आप पूरी दुनिया में कवर कर सकते हैं कि अपने एजुकेशन अपने टैलेंट को। तो इसलिए शुरू किया भारत ने, भारत ने पहला ऐसा देश है जिन्होंने शुरू किया ऑनलाइन बीएससी डिग्री देने की साइंस एंड प्रोग्रामिंग में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर कमेमोरेटिव स्टाम्प जारी किया गया? स्टाम्प क्या होता है, जैसे आप पोस्ट ऑफिस में जाते हैं या कई जगह स्टैम्प लगते हैं, उसमें उनकी पिक्चर्स होती है, फोटो होती है, वो किसी की याद में या कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन होता है, किसी का अच्छा योगदान होता है जो देश के लिए समाज के लिए, उसके लिए एक जारी किया जाता है, टिकट जारी किया जाता है। उसका प्राइस भी होता है 1 रुपये, 2 रुपये, 10, 20, 50, जो भी टिकट का रेट होता है। तो इनके लिए टिकट जो जारी किया गया उनका नाम है पीवी नरसिंह राव जी, इनके जन्मदिन के अवसर पे ही। अगला क्वेश्चन देखते क्या है कि छोटे व्यापार के लिए विश्व बैंक ने कितने रुपए देने की बात कही है? ये डॉलर में है, 750 मिलियन डॉलर देने की बात कही है विश्व बैंक ने भारत को, जो छोटे व्यापारी मध्यम व्यापारी जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट करना है उनके लिए देने की बात कही है। और मंजूर भी कर दिया कि 750 मिलियन डॉलर हम लोन दे रहे हैं जो छोटे व्यापारी और बड़े व्यापारियों के लिए। हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं विश्व बैंक के बारे में। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी, जो कि यूएस में है। फाउंड कब हुआ था? 1944 में। और इस समय प्रेजेंट जो यहाँ के प्रेसिडेंट, उनका क्या नाम है? डेविड आर मालपास। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो आप इसको भी याद रखिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राज किरण को किस बैंक ने दोबारा से सीईओ नियुक्त किया है? ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है, जब सीईओ का अच्छा योगदान होता, अच्छा काम होता किसी बैंक, किसी फाइनेंस कंपनी के लिए, तो क्या होता है उनको एक्सटेंड कर दिया जाता है, उनकी जो कार्य अवधि है उसको बढ़ा दिया जाता है। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 2 साल के लिए एक्स्ट्रा उनको वर्क दे दिया है राज किरण जी को एज अ सीईओ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। श्रीकांत माधव वैद्य किस कंपनी के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं? ये नियुक्त किए गए हैं इंडियन ऑयल के, इंडियन ऑयल के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं श्रीकांत माधव। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि चार्टर अकाउंटेंट डे कब मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी जिस तरह से डॉक्टर्स डे मनाया जाता है 1 जुलाई के, उसी तरह से चार्टर्ड अकाउंटेंट डे मनाया जाता है। द इम्पॉर्टेंस एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट, किसी भी फाइनेंस कंपनी, कोई भी कंपनी हो या कोई भी स्टार्टअप हो, कोई छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, सभी के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की आवश्यकता होती है, या हेल्प होती है, या कंसल्टेंट करते हैं लोग, ताकि डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं बिजनेस पर्पस को बनाने के लिए, फाइनेंस को मेंटेन करने के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द टुडे, जो कि 2 जुलाई के लिए जितने करंट अफेयर्स थे वो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया था। आशा करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आया है। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी तरह से प्रतिदिन करंट अफेयर्स का एक वीडियो मिलता रहे। और इसके साथ साथ आपको करंट टॉपिक जो भी चल रहे हैं, सरकारी योजनाएँ हैं या कोई ऐसी स्कीम लॉन्च होती है, उसके बारे में भी स्टडी रैपिड की तरफ से आपको करेक्ट और इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।